नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो नुस्खा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है माइग्रेन का जो पेन होता है, माइग्रेन का जो दर्द होता है, आधे सर का दर्द भी उसे कहते हैं, कुछ लोग उसे अर्ध कपारी कहते हैं और कुछ लोग उसे सीसी भी कहते हैं। ये जो आधे सर का दर्द होता है बहुत ही पेनफुल होता है, असहनीय होता है, बेचैनी करने वाला होता है। जिस किसी को ये दर्द हो जाए वो समझ लीजिए उसका पूरा दिन पूरा सप्ताह खराब हो जाता है। तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि माइग्रेन के दर्द में आप कैसे अपने घर पर घरेलू उपचार के जरिए माइग्रेन के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को माइग्रेन यानी कि आधे सर दर्द की परेशानी है तो आप क्या करें, उस व्यक्ति को एक बिस्तर पर लिटा दें। जिस सर में दर्द होता हो, अगर लेफ्ट साइड में दर्द होता है तो लेफ्ट वाले नाक में 2 से 3 बूंद गाय के घी को ड्रॉप के माध्यम से या चम्मच के माध्यम से 2-3 बूंद गाय के घी को उनके नाक में डाल दें। उस साइड वाले नाक में डालें जिस साइड में उनको दर्द होता है, जिस साइड के सर में उनको दर्द होता है। ये तो उन्हें नाक में डालने के लिए है। इसके अलावा क्या करें आप कि एक कपूर का ढेली ले लें। कपूर जो पूजा में यूज होता है, पूजा पाठ में यूज करते हैं, मंदिर में यूज करते हैं। 1 चम्मच गाय के घी में 1 कपूर का ढेली मसल कर मिला दें। ये बिल्कुल मसल जाता है, ऐसे करके पाउडर बन जाता है, आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से आप इसे मिला दें और मिलाने के बाद क्या करें, घी और कपूर के इस मिश्रण को उस व्यक्ति के सर पर मालिश करें। 5 से 10 मिनट तक उनके सर पर अच्छे तरीके से मालिश कर दें। और एक काम और करना है आपको, क्या करें कि हल्के हल्के आवाज़ में, बिल्कुल साइलेंट म्यूजिक जो होता है, बिल्कुल शांति वातावरण में जो म्यूज़िक बजता है वो म्यूज़िक लगा के और उसे आप छोड़ दें, उस व्यक्ति को बिस्तर पर लेटा हुआ छोड़ दें। आधे घंटे तक आप उन्हें छोड़ दें। आपको आधे घंटे में उस व्यक्ति का जो माइग्रेन का दर्द है वो बिल्कुल खत्म होता हुआ दिखेगा, बिल्कुल उससे उन्हें लगेगा कि अब मुझे राहत मिला हुआ है। और जब उसका सर दर्द खत्म हो जाए तब भी आप क्या करें, इसी विधि को 15 से 20 दिनों तक लगातार उनको करते रहें। माइग्रेन का दर्द जो होता है वो कंटिन्यू नहीं होता है। आप लोग अगर कोई पीड़ित होंगे तो उनको पता होगा कि माइग्रेन का दर्द पहले महीने में एक बार होता है, फिर वो धीरे धीरे 20 दिन में होने लगता है, फिर वो 10 दिन में शुरू हो जाता है और फिर हफ्ते में 2 बार 3 बार होना शुरू हो जाता है। तो जिनका स्टार्टिंग हो उन्हें आप क्या करें, 15 से 20 दिन तक ये दें और 15 से 20 दिन में उनका दर्द खत्म हो जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। दोस्तों, वैसे तो अभी थोड़ा ठंड का मौसम है इसलिए घी जमा हुआ है, लेकिन आने वाले समय में अभी आपको मौसम जैसे जैसे गर्म होगा तो घी पिघला हुआ होगा। अगर ठंड का मौसम है और घी जमा हुआ है तो उसे हल्का आप गुनगुना कर लें और गुनगुना करके ठंडा कर लें तो ये बिल्कुल पिघल जाता है, घी जो है पिघल जाता है। इसके अलावा ये जो घी है दोस्तों, जो गाय का घी होता है, ये आपके एक और बीमारी में बहुत ही काम करता है, वो है इस मौसम में लोगों का क्या होता है, नाक खर्रा जाता है, नाक सूख जाता है और नाक से किसी किसी को ब्लड भी आता है, खून भी निकलने लगता है। ऐसे लोगों को भी आप क्या करें, उनके नाक में भी सोते वक्त 2-3 बूंद गाय का घी डाल दें। और अगर गाय का घी पॉसिबल ना हो तो उनको आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। अगर आप उनके नाक में सरसों का तेल डालते हैं तब भी अगर उनके नाक से ब्लड आता होगा या नाक सूखता होगा, खरखराता होगा, तो उनका ब्लड आना बंद हो जाएगा, उनके नाक की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आजकल जो हवा होती है बहुत ही सर्द हवा होती है, तेज़ हवा होती है और मौसम जो होता है वो सूर्य का तेज आजकल धीरे धीरे तेज होना शुरू हो जाता है, गर्म होना शुरू हो जाता है। तो सूर्य की गर्मी और हवा की ठंडी, जो तेज़ हवा की ठंडी होती है और सूर्य की गर्मी होती है, जब हम सांस लेते हैं तो हवा ठंडा ठंडा जाता है और जो अंदर हमारे शरीर के अंदर गर्मी है वो दोनों
दोनों आपस में रिएक्शन करता है और नाक में वो नाक का क्योंकि जो स्किन होता है बहुत ही कोमल होता है, बहुत ही नाजुक होता है, तो नाक पर वो सीधा असर करता है, सीधा इफेक्ट करता है और वहाँ पे वो क्या होता है, नाक सूख जाता है और ज़्यादा सूखने पे वहाँ कट जाता है, जख्म हो जाता है और उसी से ब्लड आने लगता है। तो अगर आप में से किसी को नाक से ब्लड आता हो तो आप क्या करें, रात को सोते वक्त 2 से 3 बूंद गाय का घी, अगर देसी घी गाय का मिल जाए तो उसे डालें, आपकी ये बीमारी खत्म हो जाएगी। अगर गाय का घी ना मिले तो शुद्ध सरसों का तेल भी आप अपने नाक में डाल सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाएँ। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो एक काम और करें, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन के बगल में एक घंटी बना हुआ है, एक बेल बना हुआ है, नोटिफिकेशन बेल कहते हैं इसे, इस बेल को आप दबा दें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन हमेशा आते रहे, नए नए टिप्स, नए नए वीडियो आपके पास आते रहे और आप उसे देख सकें। दोस्तों, हमारे नए नए वीडियो को देखते रहें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।